हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डैन व्हील्स। कैसे आप सब लोग? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा एल्ट्रोस के एलॉय व्हील्स के चेंज के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको अब तक आइडिया आ गया होगा कि मैं मेरे कार की एलॉय व्हील्स चेंज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने थंबनेल में इसको व्हील्स कौन से वाले नए हैं वो बताया नहीं, बिकॉज फिर तो वीडियो का जो मज़ा है वो मज़ा नहीं रहेगा। बिकॉज एंड में आपको और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज मैंने एंड में वीडियो में एक सिनेमेटिक शॉट डाला है, मतलब म्यूज़िक के साथ एडिट किया है, जिसमें जब कार खड़ी रहती है तब कैसी दिखती है और रोलिंग शॉट के साथ कैसी दिखती है, जब कार चलती है तब न्यू व्हील्स कैसे दिखते हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि मेरी अल्ट्रोस जो है वो टॉप मॉडल है, तो उसमें 16 इंच के व्हील्स एलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि आप सामने देख सकते हो, ये मेरे ओरिजिनल एलॉय व्हील्स हैं। तो मैं चेंज करके दूसरे व्हील्स लगाया हूँ एंड मेरी कार को 1 साल हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो अगर आप टाटा में जाओगे, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 40,000 रुपीज़। अगर आपको ओरिजिनल ख़रीदने हैं टाटा से, न्यू ब्रांड न्यू, तो 40,000 इज़ द कॉस्ट फॉर एलॉय व्हील्स, 4 एलॉय व्हील्स की, विदाउट द टायर्स, ओनली द व्हील्स। बट जैसे कि मेरी कार 1 ईयर ओल्ड हो गई है, दैट्स वाई मैं ये 25,000 में सेल कर रहा हूँ। एंड जो मेरी नए व्हील्स है जो मैं लगाने वाला हूँ, मतलब जो मैंने ऑलरेडी कार पे लगा दिया है मेरे अल्ट्रोस पे, उनकी कॉस्ट भी 25,000 है। तो मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे ये व्हील्स सेल करके नए व्हील्स लगाए हैं। तो उस हिसाब से मेरे पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा कि ओके, ये चेंज मैं मेरे कार में कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा मेरा तो पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग, मतलब कार का लुक भी चेंज हो रहा है, कार को एक स्पोर्टियर ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है एंड पैसा भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने वो डिसीजन लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये 16 इंच के मेरे ओरिजिनल अलॉय व्हील्स है, 4 अलॉय व्हील्स, एंड मेरे पास इसके ओरिजिनल नट्स भी है, जो अपने जिसके जिसका अपन जिससे अपन व्हील्स बनाते हैं, लगाते हैं, ये ओरिजिनल नट्स है। तो एकदम ब्रीफली बोलता हूँ, ये व्हील्स जो जाने वाले हैं वो तमिलनाडु जाने वाले हैं कुरियर होके। मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे जिनको मैंने व्हील्स सेल किए हैं, तो ये व्हील्स वहाँ पे जाएंगे। तो एकदम शॉर्ट में आपको बोलता हूँ कि वो लोग व्हील्स चेंज करने के टाइम क्या प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो ये व्हील निकालते हैं, इसके साइड में जो टायर रहते हैं वो टायर निकालते हैं, बिकॉज मेरी ऑलरेडी 16 इंच के व्हील्स है और मेरे नए व्हील्स जो लगाए वो भी 16 इंच के ही है, तो मुझे टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सिर्फ यहाँ से ये व्हील से वो लोग ने टायर निकाले और वो नए व्हील्स पर डाले। नए व्हील के ऊपर टायर डालने के बाद वो व्हील को बैलेंसिंग करते हैं, मतलब जो टायर का जो रबर रहता है वो रबर नए व्हील्स के साथ प्रॉपरली सेट हो जाए। एंड उसके बाद वो कार पे चढ़ा के कार का व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करते हैं, ताकि नए व्हील्स थोड़े ज़्यादा इससे थिक है, मतलब वो कार से थोड़े से हाफ इंच थोड़े से बाहर स्टिक आउट होते हैं। तो ये जो इनकी जो विड्थ है ये व्हील्स की, जैसे आप देखते हो, तो ये जो विड्थ है, तो मेरे जो नए व्हील्स हैं ये इनसे थोड़ा ज़्यादा और मोटे है, मतलब और थोड़े ज़्यादा विड्थ में ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए ज़्यादा अच्छा स्पोर्टेड लुक आता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, अभी इसके आगे आप सब वीडियोस का शॉर्ट्स देखिए जहाँ पे वो व्हील चेंज करते हैं एंड सब प्रोसीजर करते हैं। एंड प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बिकॉज लास्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें मैंने सिनेमेटिक शॉर्ट्स ऐड किए। तो देखिए, अभी आप कंटिन्यू करते हो, अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ। ऑल राइट,
तेरा यूट्यूब पे आएगा। अरे मजाक नहीं, ठीक है चलना फोन। अरे जो चार लाइन से खा चुका ना।